कल शाम को ये खबर आई कि उत्तराखंड के टनल को रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जो रैट माइनर्स हैं उनमें से एक का घर डीडीए ने डिमोलिश कर दिया अपनी एक डिमोलिशन ड्राइव के दौरान। जब डीडीए अनेकों लोगों के घर झुग्गियां तोड़ रही थी तो उसमें एक रैट माइनर का भी घर था। आज सुबह एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जो वो रैट माइनर थे उनको पीएम आवास योजना के तहत एक घर दिया जाएगा। मैं इसके लिए एलजी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत उस रैट माइनर को घर देने का वादा किया। लेकिन ये रैट माइनर इकलौते वो व्यक्ति नहीं है जिनका घर, जिनकी झुग्गी, जिनका छोटा सा कमरा डीडीए और अन्य केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की एजेंसीज द्वारा डिमोलिश किया गया है। कल शाम को ये खबर आई कि उत्तराखंड के टनल को रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जो रैट माइनर्स हैं उनमें से एक का घर डीडीए ने डिमोलिश कर दिया अपनी एक डिमोलिशन ड्राइव के दौरान। जब डीडीए अनेकों लोगों के घर झुग्गियां तोड़ रही थी तो उसमें एक रैट माइनर का भी घर था। आज सुबह एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जो वो रैट माइनर थे उनको पीएम आवास योजना के तहत एक घर दिया जाएगा। मैं इसके लिए एलजी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत उस रैट माइनर को घर देने का वादा किया। लेकिन ये रैट माइनर इकलौते वो व्यक्ति नहीं है जिनका घर, जिनकी झुग्गी, जिनका छोटा सा कमरा डीडीए और अन्य केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की एजेंसीज द्वारा डिमोलिश किया गया है।